Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you the most relevant topic in the educational arena nowadays, that is IKS, Indian Knowledge System. And the new entrant in your syllabus is integrating IKS. So, I am discussing with you this very important topic. Okay, IKS. इंडियन नॉलेज सिस्टम या कहीं कहीं इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम भी मिलता है, यानी कि भारतीय ज्ञान निकाय, या इसको कहीं कहीं इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन भी कहते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा। तो इतने दिनों में इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने आईकेएस पर बहुत बल दिया है और इसीलिए अब आईकेएस को समकालिक शिक्षा पद्धति से जोड़ने की बात की जा रही है। तो क्या कह रहा है एनईपी 2020? एनईपी 2020 एम्स टू फोस्टर होलिस्टिक डेवलपमेंट बाय इंटीग्रेटिंग आईकेएस इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रही है कि अगर आपको विद्यार्थी का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, पूर्ण रूपेण उसका विकास करना है, तो आपको भारतीय ज्ञान तंत्र को जोड़ना होगा एजुकेशन सिस्टम से। इनकॉर्पोरेटिंग आईकेएस कैन प्रिजर्व इंडियाज इंटेलेक्चुअल हेरिटेज व्हाइल कल्टीवेटिंग एन इंक्लूसिव कल्चरली ग्राउंडेड अप्रोच टू लर्निंग। अगर हम आईकेएस को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि भारत की जो बौद्धिक संपदा रही है, बौद्धिक संपत्ति है, बौद्धिक विरासत है, उसको हम संरक्षित रख सकते हैं और एक इंक्लूसिव समावेशी सांस्कृतिक रूप से ग्राउंडेड जो अप्रोच है लर्निंग की, उसको हम जीवित कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेसफुल आईकेएस इंटीग्रेशन, कैसे हम आईकेएस को जोड़ेंगे, उसकी बहुत सारी व्यू रचनाएं हैं। जैसे कि हमको करना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम डिजाइन हमको बनाना पड़ेगा, हमको रोबस्ट टीचर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कोलैबोरेटिव रिसर्च, इंटरडिसिप्लिनैरिटी पे बहुत बल है आईकेएस में, डेवलपिंग एंगेजिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हमको बनाने होंगे और आईकेएस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी बनाने होंगे, टेक्नोलॉजी भी लीवरेज करनी होगी, अवेयरनेस बढ़ानी होगी, इंटरडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप को फोस्टर करना होगा, इंक्लूसिव इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करना होगा और कंटिन्यूअस इवेल्युएशन और रिफाइनमेंट को भी इंश्योर करना होगा। ये सब स्ट्रेटजीज हैं जिनसे हम आईकेएस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ एनईपी 2020 एंड आईकेएस, क्योंकि एनईपी 2020 की बात हो रही है इसलिए हर जगह 2020 नहीं लिखा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आईकेएस में कौन से ऐसे गुण हैं जो आईकेएस की ओर प्रतिबिंबित हैं और इशारा करते हैं या कहते हैं आईकेएस जोड़ लीजिए, कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जब हम बात करते हैं, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में हमेशा से ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई है। ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट जो प्रोग्रेसिवली बन गए, ये नहीं थे हमारे भारतीय तंत्र में। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं के प्रमोशन की जो बात की जा रही है वो भी आईकेएस के संरक्षण की ही बात है। इम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो अनुभवजन्य अधिगम पर अब बल दिया जा रहा है वो भी आईकेएस के लिए ही है। और इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात भी आईकेएस के इंटीग्रेशन की ओर ही इशारा करती है। अंडरस्टैंडिंग आईकेएस, समझें क्या है आईकेएस, तो कहीं कहीं इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम भी मिलता है। वी मीन अ स्कीम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स विच अकर्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल इमिनेटिंग फ्रॉम देयर इमीडिएट एनवायरमेंट, यानी कि जो ये हमारा देशीय ज्ञान है, देशज ज्ञान है, वो एक्चुअली लोगों को जो उनके इमीडिएट एनवायरमेंट से इमिनेट करता है, दूर ले जाता है, मतलब उसको तात्कालिक लक्ष्य छोड़ के दूर के लक्ष्यों की ओर ले जाने के प्रति इशारा करता है। द इंडिजिनस नॉलेज एंड स्किल्स इन मोस्ट केसेस इज अ कलेक्टिव हेरिटेज, है ना, सामूहिक ये हेरिटेज है जो जनरेशन से जनरेशन ये नॉलेज और स्किल प्रसारित होती रही हैं। दे आर कॉल्ड सिस्टम्स। सिस्टम्स क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम देयर ओन कंटेक्स्ट, यानी कि आप उसको उसके कंटेक्स्ट के बिना, कंटेक्स्ट से आइसोलेट करके नहीं समझ सकते, इसलिए सिस्टम है, बहुत सारी चीजों का कलेक्टिव अप्रोच है। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स रिफर्स टू द कॉम्प्रिहेंसिव एंड डाइवर्स नॉलेज सिस्टम्स डेवलप्ड एंड नर्चर्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओवर सेंचुरीज, शताब्दियों में विकसित हुआ है ये भारतीय उपमहाद्वीप में ये हमारा नॉलेज सिस्टम। दीज सिस्टम्स एनकंपास ट्रेडिशनल नॉलेज इन वेरियस डोमेन्स सच एज साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, आर्ट्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डीपली रूटेड इन इंडियाज कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल हेरिटेज। भारतीय सांस्कृतिक और दार्शनिक ये जो हेरिटेज है ये विकसित हुई है विज्ञान में, तकनीकी में, आपके ये मेडिसिन में, इसके अलावा आर्ट्स में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा में। ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने 2018 में ये परिभाषित किया। और क्या है आईकेएस, इंडिया बोस्ट अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ नॉलेज सिस्टम लाइक आयुर्वेद, योग, वेदास एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, डीपली रूटेड इन द कंट्रीज कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल इथॉस।
offering holistic approaches to various aspects of life, but often marginalized in formal education in favor of Western pedagogies. हमने पश्चिमी पेडागॉजी को इतना अपना लिया, उसके इतने फेवर में हम हो गए कि हमने अपना जो ज्ञान था उसको मार्जिनलाइज कर दिया, सीमा पे रख दिया, सीमांत कर दिया है, है ना? वो कौन सा हमारा कंट्री का जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक इथॉस था, जो मूल्य तंत्र था, जिसमें आयुर्वेद, योग, वेद, ट्रेडिशनल क्राफ्ट सब आते थे, वही IKS है. डिस्पाइट देयर इमेंस वैल्यू, जबकि इनकी इतनी अत्यधिक मूल्य है, ये मूल्यवान है, इंडियन नॉलेज सिस्टम हैव बीन ओवरलुक्ड इन मेनस्ट्रीम करिकुला, प्रिविलेजिंग वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजीज, रिजल्टिंग इन ए फ्रेगमेंटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम कल्चरल आइडेंटिटीज, highlighting the importance of preserving and integrating these systems for fostering inclusive, culturally grounded, holistic learning. वो 2021 में ऐसा लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना इनका मूल्य है, इसके बावजूद हमने इसको अनदेखा कर दिया, mainstream curricula में हमने इसको स्थान नहीं दिया, हम western pedagogy को हमने privilege दिया, उससे क्या हुआ, ज्ञान टुकड़ों में बट गया, विज्ञान, कला, सबको हमने इतने इतने कट कॉप, इतना कठिन बना दिया कि एक दूसरे की बाउंड्री में एकदम अपारगम्य बना दी एक दूसरे के लिए, तो ये, और हमने कल्चरल आइडेंटिटीज, हम अपनी कल्चरल जड़ों से कट गए, ये सब हुआ. दी मॉडर्न फॉर्मल एजुकेशन ड्यू टू इट्स कोलोनियल लीगेसी एंड लिंकेज विद ग्लोबलाइजिंग फोर्स हैज नॉट गिवन ड्यू रिकॉग्निशन एंड एम्फेसिस ऑन सच नॉलेज एंड स्किल्स इन पेडागॉजी. तो जो हमारा, जो हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को हमने इतने जड़ से पकड़ लिया कि हमने अपनी, हम अपनी लीगेसी से कट गए, हमने अपने आप को अपनी जड़ों से दूर कर दिया, और हम सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्नाइज्ड नॉलेज के को के पी, मतलब क्या कहते हैं उसको, फॉलोअर्स बन गए, उसी के पीछे लग गए बस. IKS डिवीजन इसलिए बनाया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द IKS डिवीजन विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विद द गोल ऑफ एडवांसिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च ऑन ऑल फैक्ट्स ऑफ IKS एंड शेयरिंग IKS नॉलेज फॉर फ्यूचर इनोवेशन एंड सोसाइटल एप्लीकेशन. इसलिए भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एक IKS डिवीजन बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को हम महत्ता देंगे, एडवांस करेंगे, आगे ले जाएंगे. आपको क्या अंतर है इंटर डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी में, ये देखने के लिए पुराना वीडियो मेरा देख लीजिए. In order to revitalize IKS research in India, the IKS division supports unique, serious and in-depth academic study in a variety of IKS disciplines. इसके लिए बहुत सारा अनुसंधान कार्य चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. The traditional knowledge in astronomy and mathematics, chemistry and material science, health, wellness and awareness studies, political and economic ideas, arts, traditions and rich culture are all included in the IKS division. यानी IKS division में वो सब कुछ है जो हमारा पारंपरिक ज्ञान था, वो चाहे astronomy की क्षेत्र में हो, गणित के क्षेत्र में हो, रसायन हो, स्वास्थ्य हो, जन कल्याण हो, सब कुछ, है ना, एवरीथिंग. फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे संभव है IKS के थ्रू. IKS शुड नॉट बी टॉट इन आइसोलेशन फॉर मियर प्रोविजन पर्पस. हमको सिर्फ ऐसा नहीं है कि IKS बस एक जगह कहीं पढ़ा देना है, हमको इसको बनाना है, अपने मिशन का हिस्सा बनाना है, चाहे वो स्पेस साइंस हो या स्वस्थ भारत अभियान है, आत्मनिर्भर भारत है, जितने भी मिशन है इनका, हमको इसको इंटीग्रल पार्ट IKS को बनाना है. This mission mode IKS integrity will serve the purpose. Change of mode from preservation to utilization will accomplish our goal to create Bharat as hub of emerging knowledge. जो ये जो mode change हो रहा है preservation से utilization का, उसी से हम भारत को emerging knowledge का hub बना सकते हैं. और क्या है होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू IKS में. दी इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इनटू एजुकेशन होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग लर्नर्स. अनलाइक द कन्वेंशनल अप्रोच दैट कंपार्टमेंटलाइजेज नॉलेज, जो हमने नॉलेज को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, उसको ये तोड़ रहा है. ये क्या कह रहा है, एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड व्यू हमको दे रहा है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ज्ञान सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. एम्फसाइजिंग द हारमोनियस एग्जिस्टेंस, इसी से क्या होगा कि हमारी एक हारमोनी बनेगी सोसाइटी के साथ, नेचर के साथ, है ना. बाय इंटीग्रेटिंग एलिमेंट्स ऑफ IKS into education, learners are not only equipped with academic knowledge but also empowered to lead balanced, purposeful lives, contributing positively to themselves, their communities and the world at large. ऐसे अगर हम करें तो क्या होगा कि ना जो लर्नर है उसको सिर्फ शैक्षणिक ज्ञान मिलेगा, बल्कि वो एक संतुलित, सोद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकेगा, जिसमें वो अपने आप को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकेगा, अपने समुदाय को, समाज को और विश्व को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकेगा. रैशनल क्या है इंटीग्रेट करने का, कि कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज हमारी सुरक्षित रहेगी, हम होलिस्टिक एजुकेशन दे पाएंगे और हम नवाचार और सस्टेनेबिलिटी की भी बात कर पाएंगे, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम तो हमारा प्राचीनतम मोटो रहा है, तो सस्टेनेबल तो हम हमेशा से थे. चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग IKS क्या है, कि कैसे हम इसको
चैलेंजेस क्या है IKS को इंटीग्रेट करने में, करिकुलम डेवलपमेंट हमको करना पड़ेगा, हमको टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, हमको बायसेस और मिसकंसेप्शंस को भी एड्रेस करना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि नहीं आप तो बायस्ड हो गए हैं IKS के लिए, इतना भी अच्छा नहीं है, कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे, वो सब मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का बैलेंस बना के चलना होगा, इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करना होगा, एकेडमिक रिगर और क्वालिटी मेंटेन करनी होगी और इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप करनी होगी, तो ये इतना आसान भी नहीं है। ओके तो बहुत IKS पे बात हो रही है, बहुत सूक्ष्म त्वरित क्विक आपके लिए एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज IKS, व्हाई इट इज नेसेसरी टू इंटीग्रेट IKS, व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंटीग्रेट IKS एंड व्हाट इज द विजन ऑफ NEP 2020 टुवर्ड्स IKS। ओके सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।